30 अरब का ये प्रोजेक्ट जिसे चलाने के लिए 12 अरब रुपया लगते हैं सालाना, उसकी सूरत हाल ये है कि आप अवामुन्नास उतरते अगर देख रहे हैं तो 7 ही इसके एक्सीक्यूलेटर हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसके सामने ये रिबन लगा दिया गया है। तो ये बरकी जीने जो सीढ़ियां हैं, इलेक्ट्रिक सीढ़ियां जो ऊपर चढ़ती हैं, एक्सीक्यूलेटर जो हैं, ये बंद पड़े हैं, कब से बंद हैं? पर 6 महीने हो गए हैं ये बंद ही हैं। तो एक फैसिलिटी थी जो भी इन्होंने इमरान खान की हुकूमत यानी उनके फंड से बंद हो गई है, अब क्या मसला है? अम्मा जी सीढ़ियां तो पहले चल दिया सन, हूं नहीं चलती, अब नहीं चलती है, क्या वजह? पता नहीं क्या वजह हो रहा, बंद कर रखे सारी चीजें, पता नहीं क्यों बंद हो गई ने। बस हूँ मेरा तो गोडे नु दर्द है, तकलीफ है, शुगर का मरीज है, बड़ा औखा चढ़िया मैं उते। ये जो वालदा साहब लेके आ रही है कितनी मुश्किल है इन्हें, और सांस इनका फूला हुआ है। माई सलाम अलैकुम, ये तो सीढ़ियाँ चलने वाली सीढ़ियाँ, तो ये बंद कब से हैं? पता नहीं कब से, वैसे तो हमारे लिए चलाई थी, हमारे मजदूरों के लिए। चार बरकी जीने और वो चारों काम नहीं कर रहे, वो ये इसको किस तरीके से बाड़े लगा कर और ये सारे बैनर्स लगा कर बंद किया गया, कब से बंद है? अब हो गए 2-3 महीने हो गए। ये एक्सीक्यूलेटर जो है ये ना सिर्फ जैम पड़ा है बल्कि लोग कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि 3-3 महीने से इस तरह है। ये आप देखें कि ये सारे का सारा जंग लुदा हो चुका है, और ये के जेंट्स के वॉशरूम है, और यहाँ ट्यूबलाइट्स बंद है, ये आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट्स बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें दीवारों में क्रैक्स हैं, जिस कॉरिडोर में हम जा रहे हैं इसकी लाइट खराब, ये देखें ये यहाँ के दरवाजे का हाल है। ये जो आग बुझाने वाला आला है ये भी एक्सपायर हो चुका है, चूंकि ये आप जो सुन रहे हैं रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं है बल्कि जीने, जब आप देख रहे हैं जिस सर्कल में ये जाते हैं तो ये रेलगाड़ी की आवाज़ पैदा करते हैं, और ये 20 स्टेशन लाहौर में इसी तरह चल रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि ये मेट्रो बस स्टेशन है और MU कॉलेज वाला ये स्टेशन है, इसमें हमने चेक करना है कि जो आग बुझाने वाले आलात हैं, जो आग बुझाने के लिए जो इन्होंने बंदोबस्त किया होता है वो किस लेवल का है। रेस्क्यू 112 भी हमारे साथ है, सिविल डिफेंस के बड़े अफसर भी हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। आप देख सकते हैं जी कि यहाँ जो भी बरकी जीने हैं उन पे आपको रेलगाड़ी का मज़ा भी आता है, क्योंकि वो आवाज़ें वही निकाली जाती हैं जो रेलगाड़ी के अंदर या मालगाड़ी की आवाज़ें होती हैं। बंदोबस्त कैसा है और यहाँ जो बंदोबस्त किया गया है फायर फाइटिंग के हवाले से और वो सारा निज़ाम किस तरह नस्ब है, क्या उसकी एक्सपायरी चेक की जाती है, वो काम प्रॉपर करता है नहीं करता, सिविल डिफेंस का अमला हमारे साथ होगा, 112 हमारे साथ होगा, सिविल डिफेंस से ताहिर साहब हमारे साथ हैं, 112 से फारूक साहब हमारे साथ हैं, और ये चेक करेंगे कि जो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है मेट्रो का वो अपग्रेड किया जाता है नहीं किया जाता। शेख जैन साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वो भी हमारे साथ हैं, आइए जी आप कैसे चेक करते हैं, क्या SOPs हैं, क्या तरीक़ेकार हैं? ताहिर साहब जी सिविल डिफेंस हमारे साथ मौजूद हैं और ये चेक करेंगे जिनकी जिम्मेदारी है मुतल्लिका महकमे वाले। जी जनाब, ये जनाब इसका जो एक्सपायरी डेट है ये है 18/9/2018 तक, ये 18/2/2018 तक की इसकी वैलिडिटी थी, अब ये एक्सपायर हो चुका है। ये डेट आप देख रहे हैं ये 4 माह तकरीबन गुजर गए हैं, इसको रीफिल करवाना था, नहीं किया गया। ये इसका मतलब है कि ये वार्म वाटर्स में कोई इमरजेंसी हो जाए तो अल्लाह जाने चले ना चले, हाँ, कोई गारंटी नहीं दे सकते इसकी, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो देखिए ना 18/9/2018। ये जरा उतारे इसे पॉसिबल है, ये सिलेंडर है जी हमारे पास जो फायर फाइटिंग के लिए बड़ा बुनियादी है, इधर क्योंकि ऑफिस है इनका, ऑफिस से हमने शुरू किया, बाकी जहाँ ये सारा चूँकि पब्लिक प्रोजेक्ट है, और 112 फारूक साहब जो है वो सारा दिन पब्लिक को डील करते हैं, और सारा दिन 112 जो है वो लोगों के हादसात, लोगों के मसाइल और अल्लाह ताला माफ़ करे जो आफतें लोगों पर पड़ती हैं उनसे नबरद आजमा होती है 112 की टीम, और जो सिविल डिफेंस है ये सारा दिन चेक करता है कि कौन कौन सी इमारत में जो है वो फायर फाइटिंग का बंदोबस्त जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये आप देख सकते हैं मेट्रो में हम खड़े हैं, मेट्रो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस वक्त लाहौर का, और ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो इस वक्त सबसे बड़ी आबादी है लाहौर की जो इसे यूज़र है, इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट यूजिंग जो है वो मेट्रो से ज़्यादा नहीं है कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसे यूज़ किया जाए। फिर आप देखें कि वहाँ आप ये अगर देखें कि 17/9/2017 को इसे फिक्स किया गया था, इसके ऊपर एक्सपायरी लिखी जाती है, और 18/9/2018 को इसे रीफिल होना था। अब ये चले ना चले, आग लग जाए तो अल्लाह वारिस है, अगर ये चल गया तो ठीक है, अदरवाइज ये रिस्क पे चला गया, ये 100% रिस्क पे चला गया, ये ठीक बात है जी रिस्क पे चला गया। एक्सपायरी देखिए जब आप इसकी रीफिलिंग नहीं करेंगे, और ये चिट लगाने का मकसद क्या है? देखिए मैं असल में आपको फात भाई बताऊं कि इसका जो स्कोप है ये रेस्क्यू का नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछें कि किसी भी जगह पे इंतजामात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
इसमें कोई शक नहीं है। और कल भी रेस्क्यू ने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट डील किया, कल 6 फायर एमरजेंसीज हुई थी लाहौर के अंदर जो बहुत बड़े फायर केसेस थे। इसके अलावा रेस्क्यू एन एवरेज रोजाना 15 से 20 फायर एमरजेंसीज को डील कर रहा है जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, जिसमें इमलाक ज़ाया हो रही हैं और जिसमें बहुत सारे मुसाफिर भी इवन उस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। तो इसकी जो इंस्पेक्शन के हवाले से सिविल डिफेंस बात करेगी। और अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि रोजाना कितनी इमरजेंसीज हो रही हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दिन ब दिन ये हादसा बंदोबस्त होना चाहिए। बिल्कुल, आप याद है आप हमारे प्रोग्राम में कहा करते थे कि लोग गाड़ियों में भी रखें। नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें और घरों में भी रखें। नहीं नहीं, इसमें 1122 तो पता नहीं कब पहुंचे, 15-20 मिनट लग जाए उसे ट्रैफिक में आते हुए। हमारा 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 यही थीम है कि जो आदमी इमरजेंसी के पास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उस बात के कि जो दूसरी सर्विस पहुंच रही है। राइट साहब, पहले टाइम में वो, राइट साहब, इसका एसओपी क्या है, क्या होना चाहिए इसका? ये जो एक्सपायरी डेट है ना इसकी, जी ठीक, इससे चंद दिन पहले इनको दोबारा जो रीफिल के लिए भेज दिया जाता है, जो कि 4 माह हो गए इसको रीफिल नहीं करवाया। रीफिल भी जब किया जाता है तो बैकअप पीछे रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, वो तो ये जिस लम्हे ये रीफिलिंग के लिए जा रहे हैं उस लम्हे अगर शेख साहब आग लग गई तो कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि जो 12 अरब रुपया सब्सिडी देते हैं इस मेट्रो बस को, वो किस जगह पर लग रही है? जैसे ही बुज़दार सरकार आई है मेट्रो बस को लावारिस छोड़ दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसकी बात नहीं है, इस स्टेशन पर लगे हुए जो बाकी 16 ये आग बुझाने वाले आलात हैं और 27 स्टेशन पर जो हर स्टेशन पर लगे 12 उनका क्या हाल है? खुदा ना खासा कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो रेस्क्यू भी आएगी, सिविल डिफेंस भी उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स पेश करेगी, लेकिन यहाँ पर जो कीमती जाने हैं वो उतनी देर में ज़ाया हो चुकी होंगी। एटलीस्ट ये जी, क्या नाम है सर आपका? तैयब नाम है सर। तैयब साहब आप खैरियत से हैं? मज़ा ठीक है। आपको ठंड ज़्यादा लग रही है? नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा तैयब साहब, ये एक्सपायरी इसकी चेक ही नहीं की किसी ने? ये देखें पढ़े क्या लिखा हुआ है सर। सर मैंने तो पढ़ा है, उन पता है उनको, उन्होंने फिल करवाया, रिपोर्ट किया सर आपने? सब कुछ हुआ, रिपोर्ट कर चुके हैं आप? बता चुके हैं मुकामे बाला को? बताया, बिल्कुल। ये 4 महीने हो गए सर इसको, ये दिसंबर नवंबर ये 9वें महीने में आपने इसको रीफिल करना था, सितंबर में, सितंबर बनता है ना? सितंबर जी, सितंबर में रीफिल करना था, लेकिन वो कहते मैंने बताया बस ये रिपोर्ट की हद तक है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, ये रखें जी वापस, ये किसी काम का नहीं है। इस वजह से कि जागते ना रहना, सड़ते ना रहना, जागते रहना वो वाला मुहावरा बनता है, ये किसी काम का नहीं है। ये रख दो, ये वापस रखें जी, ये प्लीज़ वापस रखें। आइए मेरे साथ जी, बाकी चीज़ें भी चेक करते हैं। सिविल डिफेंस का अफसर जो है सबसे बड़ा अफसर लेके आए हैं साथ, आज प्रोग्राम तमाशा में हमारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर आपको बताएं 1122 साथ इस वजह से है कि आपको बता सके कि ये फायर फाइटिंग अरेंजमेंट कितने ज़रूरी हैं और इनकी वजह से आप कितनी बचत हो जाती है, आपकी कीमती जान से ऊपर भी कुछ हो सकता है। लेकिन सूरत हाल जो है, बहुत सारे इधर जो इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है इन सारे कॉरिडोर्स में, वो सारे का सारा चेक करते हैं और आपको बताते हैं। ये जी दूसरा वाला हम जो फायर फाइटिंग का जो बंदोबस्त है वो आपको दिखा रहे हैं। क्या सर आपका पूरा नाम? आपने तैयब हुसैन। तैयब साहब मुझे बताएं कि इसके ऊपर एक्सपायरी का स्टिकर लगा था। सर स्टिकर लगे हुए थे, लीकेज बारिश जब होती है ना पूरी छत लीकेज होती है, इस वजह से ये स्टिकर उतर गया। अच्छा चलो आसान काम कर लेते हैं, आपके पास कहीं और इसका रिकॉर्ड पड़ा है? ये सिलेंडर नंबर कितना है? वो सर आप आसान काम करें, तैयब साहब आसान काम करें, आप रिकॉर्ड ला के दिखा दें। इस सिलेंडर का ऊपर लिखा हो कि ये सिलेंडर इस लोकेशन पे लगा हुआ है, इसका इतना नंबर बनता है, इसका ये स्टिकर मिस था और इस दिन फिल हुआ। नंबर इनके ऊपर कोई नहीं लगे हुए, चले सबके ऊपर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस दिन फिल हुआ था, कहीं रिकॉर्ड है? वो जो एक ही दिन सब फिल होके आए हैं, वो एक दिन, वो तो 2 साल हो गए, ये सारे के सारे एक ही दिन फेल। मतलब ये भी एक्सपायर है जी? ये भी एक्सपायर है? चार माह से ये भी एक्सपायर है सर? सब एक ही दिन फेल होके लगे। आपके कहने का ये मतलब है कि 17/9/2017 को ये सारे फिल हुए थे जी सर, और 18/9/2018 को इन्होंने रिफिल होना था और इसको एक्सपायर हुए 4 महीने गुजर गए जी। आपके ख्याल में साफ ये पक्की बात आप कर रहे हैं? जो लगी हुई है वो ही है। ले जी आप बताएं, उनका कहना है कि ये बाकी भी देखते हैं, एक ही दिन में तीनों जो है ना ये सारे फायर एक्सटेंशन एक ही दिन में रीफिल होके आए हैं। तो अगर एक ही दिन में आए हैं तो इसका मतलब है कि वो 18/9/2018 को पीछे वाला जो जिसके ऊपर स्लिप लगी है अगर वो एक्सपायर है तो बाकी भी सारे उसी दिन से एक्सपायर है। इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने रीफिल ही नहीं किया? ये
होना चाहिए था, चार माह पहले होनी चाहिए थी इसकी रिपोर्ट। सिविल डिफेंस जो आपका महकमा है, जब इस तरह की लैकुनास देखें तो आप तो नोटिस जारी करते हैं। हमें ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना लेटर भेजते हैं कि हमारी इंस्पेक्शन करें आके और हमें बताएं कि हमारे अरेंजमेंट्स ठीक हैं या नहीं। अच्छा, तो ये हमें बुलाएंगे तो हम इनको आके सारा। बारिश से सबके स्टिकर इकट्ठे कैसे उतर गए? बारिश से स्टिकर कैसे? ये देखें, ये स्टिकर खुद उतारा गया है, ये आप देख सकते हैं ताकि पता ही ना चले। अपनी जब रीफिल नहीं किया गया, अपनी गफलत छुपाने के लिए स्टिकर उतारे गए। अगर पड़ती तो ये क्यों रह गया? अल्टीमेटली सिर्फ अपनी गफलत छुपाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मरासला खेला जा रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। मेट्रो बस जो के मुफादे आमा का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे चला के देखें जी क्या सूरत हाल है, चला के देखें। सिविल डिफेंस अगर इसे जो अफसर है हमारे साथ ताहिर साहब, इधर चला के देख लें, इंतहाई ज्यादा वो कहते हैं डस्टी हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी मेट्रो की है तो इसको ऑपरेट करने के लिए भी मेट्रो के लोगों का होना जरूरी। कौन ऑपरेट करता है तहीर साहब? आपके एसओपी के मुताबिक जी सर, अगर आग लग जाए हाँ जी, तो किसने सबसे पहले भाग के रश करके तो इसको रेस्क्यू करवाना होता है? और ये जो आग बुझाने वाला आला है हाँ जी सर, आपके एसओपी के मुताबिक कौन सा बंदा है जो ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्स में लिखा हुआ है कि ये बंदा फौरी तौर पर इसको यूज करेगा? सर मसला ये होता है, इसकी ट्रेनिंग किन लोगों को आपने करवाई? आर्मी पर्सनल हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। आपको ये चलाना आता है? जी सर। तो तुसी अगर ना हो बते सर, मैं आपकी ड्यूटी कब से कब होती है? मेरी ड्यूटी 2 से लेकर 10 बजे तक। तो 10 बजे तो बाद आग नहीं लग सकती? वो रात नाइट वाले होते हैं ना सर, उनकी है ट्रेनिंग किसी की? कौन करता है, कोई मुतलका बंदे हैं? हैं नहीं, वो तो 10 बजे आएंगे। कौन के ट्रेनिंग कहाँ से ली आप लोगों ने? यूनिट से, उधर से अपने दफ्तर से, उधर भी हमारे मेज साहब हैं, वो हमें हर बंदे को इंडिविजुअल। जितने ट्रेनिंग ट्रेनर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है कि ये तो आपके पास 4 महीने हो गए, एक्सपायर हो चुका है? सर एक ही बंदे ने दफ्तर बताना होता है कि जी ये डेट है और ये जी सर। रिटर्न में दिया? रिटर्न में दिया नहीं, जबानी फोन पे उन्हें बताया कि सर। किन को बताया था आपने? दफ्तर में अपने चीफ साहब। कौन चीफ साहब? राणा सफदर साहब। राणा सफदर साहब को कहते बताया? देखें जी, जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह, उसकी तवज्जो नहीं है। ये जब तक शहबाज दोरे हुकूमत में थी तब तक इसके अभी आप इसका टाइम पीरियड देखें ना, तो आप देखें कि जैसे ही शहबाज दोरे हुकूमत एक्सपायर हुआ है उनका टाइम, तो उसके बाद इन जो तमाम इसके मंसूबे हैं उनकी भी डेटें एक्सपायर होना शुरू हो गई हैं, जिससे सीधा सीधा नज़र ये आ रहा है कि बुज़ार सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कभी ये बात की जाती है कि मेट्रो का किराया बढ़ा देते हैं, कभी कहते हैं कि सब्सिडी ख़त्म कर देते हैं, कभी इसके फंड्स नहीं जारी किए जाते, तो अल्टीमेटली मुफादे आमा के प्रोजेक्ट के साथ यही हाल होना है। कभी इसकी जो बरकी जीने हैं वो नहीं चलते, जो इसके मेट्रो स्टेशन हैं वो भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और ये तो एक ऐसा हसास मामला है कि रोज़ाना लाहौर में, जिस तरह अभी ये रेस्क्यू के ऑफिसर बता रहे थे कि रोज़ाना लाहौर में ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी ना किसी जगह पर आग लगने का वाकया पेश आता है। मेट्रो बस में रोज़ाना 7 लाख बंदे सफ़र करते हैं, तो क्या 7 लाख जाने स्टेक पर लगा दी हैं एक छोटी सी अपनी गफलत की वजह से? ये स्टेशन अगर प्रॉपर इसे मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये पूरा जल जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होगा। ये देखें जी, इसका तो हाल ही कोई नहीं, इस तरह है जैसे इसके ऊपर से जुलूस गुजर चुका है, कोई हाल नहीं इसका। ये बारिश से स्टिकर कैसे उतर गया, ये क्यों नहीं उतरा? बारिश से स्टिकर, नोजल भी नहीं है इसकी, ये बारिश से देखें स्टिकर क्यों नहीं उतरे, बाकी क्यों नहीं उतरे, ये क्या हो रहा है जी? देखिए जिस तरह इन्होंने बताया ये सुपरवाइजर साहब ने कि ये एक ही तैयब साहब एक मिनट दें, तैयब साहब ये बारिश से बाकी स्टिकर क्यों नहीं उतरा, आप थोड़ी रहनुमाई कर दें। इसके ऊपर जितना पानी पड़ना है उतना ही उतरेगा। ऐसे से पानी नहीं पैदा, हर दफा पानी इधर पैदा है जिधर लगा हुआ है उसके ऊपर से लीका जाएगा। चांब हर दफा एक ही होती साफ जहरा सर। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि चेंज नहीं होती बारिश एक साल में हो रही? कुछ ऐसे सिलेंडर हैं जिनके ऊपर नहीं पानी आता और नहीं उतरा। लाहौर में पिछले यानी कि 4-5 महीने से एक ही तरह की हवा चल रही है और वो बारिश भी एक ही तरफ फेंकती है सर, ये तो नहीं कह सकते। जिनके ऊपर पानी नहीं पड़ा वो सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर है जिसपे पानी नहीं पड़ा सर? आप कहाँ कहाँ और लगे हैं मुझे बताएं, आई विजिट करवाएं जी। तैयब साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ मजीद सिलेंडर नहीं लगे हुए, जहाँ भी ये बताते हैं जिनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि ये इस पर बारिश पड़ती रही है, तो ऐसे सिलेंडर देखने की कोशिश करते हैं जिन पे हो सकता है बारिश की बूंदें जो हैं उनका कुछ ना बिगाड़ सकी हों, ऐसे सिलेंडर देखने की कोशिश करते हैं। और फायर फाइटिंग का बंदोबस्त जो है वो सारे का सारा आपको दिखा रहे हैं मेट्रो के हवाले से, आप हमारे साथ रहिए।